स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टॉय टेक पे, जिस पे मिलते हैं अक्सर आपको टॉयज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ टॉयज से रिलेटेड। और आज हम उसी एक नए टॉयज को लेके आए हैं बच्चों के लिए, वो है 3 मंथ प्लस एज के लिए। ये कैरी कोट कम बाउंसर है, ये 10-in-1 है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आज की वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है, बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है न्यूबॉर्न्स के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा यदि आपको पसंद आए तो। तो हमारे सोशल मीडिया लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो इस अनबॉक्सिंग में पहले मैं आपको इसके फीचर्स बताना चाहूँगा क्या क्या है। आपके फीचर्स आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स पे डिटेलिंग में दिए गए हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक करके पहले। और ये बन जाता है इस तरह से मॉस्किटो नेट, और उसके बाद बनता है सनसेट के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें ये आप ऊपर से दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद बन जाता है ये बेबी सीटिंग, उसके बाद आता है इसका स्विंग, फिर आता है बाउंसिंग, ये रॉकिंग की तरह भी काम करता है, रॉकर बन जाता है। उसके बाद आता है कैरिंग, आप कहीं भी इसको कैरी कोट की तरह लेके जा सकते हैं। उसके बाद फीड करवाने के लिए बच्चे के लिए बहुत ही कंफर्ट लेवल का ये प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए आप स्लीपिंग, कहीं भी आप ले जा सकते हैं इसको कैरी करके और बच्चा वहाँ भी आराम से इसमें सो सकता है। उसके बाद आता है बॉटल होल्डर। तो हम सारे फीचर्स को एक एक करके यूज़ करके आपको दिखाते हैं जल्दी से। तो करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ये एक बाउंसर है और इसके अंदर बहुत कुछ और भी हैं जो मैं 1x1 करके आपको निकाल। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने अनबॉक्स कर चुके हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हमें मिले हैं। इसमें ये देखिए एक नेट भी मिला है इसका, और बेबी जो शेडो के लिए सनसेट के लिए दिया गया है वो भी एक प्रोडक्ट हमें इसमें मिला गया है। और उसके बाद इसमें रस्सियाँ हैं कुछ, और इसका बाउंसर के लिए एक स्प्रिंग दिया गया है। तो इसको जल्दी से हम इंस्टॉल कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम सनसेट। सनसेट बनाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इस यहाँ से कुछ बटन, ये देखिए यहाँ से बटन दिया गया है, इसको हम दबाएँगे। इसको दबाने के बाद हम इसको ऊपर ले आएंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ फिक्स, लॉक अपने आप खुल चुका है, अब ये कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। फ्रेंड्स इसको हम यहाँ से इस तरह से लगाना है, आप ये देखिए इसका जो सनसेट है वो यहाँ पे इलास्टिक है इस कपड़े में, इसको सिर्फ हमने यहाँ से इस तरह से लगा के और इसके हैंडल पे इस तरह से लगाएंगे, और जो ये आपको यहाँ से स्पेस दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा इस तरह से। और दोनों तरफ से मैं इसको लगाना चाहूँगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से ये सनसेट बन गया है। और देखिए कितना सुंदर प्रोडक्ट हमें दिखाई दे रहा है, और इसका जो कपड़ा है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, ये कुशन्स बहुत ही अच्छा है। इसके साथ बेल्ट भी दी गई है बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो इसके बाद का जो फंक्शन है वो हम इसको बनाना चाहेंगे, वो है मॉस्किटो नेट। जो ये नेट हमारे साथ आया हुआ है इसके ऊपर ये यूज़ हो जानी है इस तरह से। आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए अभी इसके ऊपर मॉस्किटो नेट यूज़ हो चुका है, इसके अंदर मच्छर नहीं जाएगा। अब कहीं पार्क में जाते हैं इसको कैरी करके लेके जाते हैं तो ये मॉस्किटो नेट बहुत काम की चीज़ है, और इसमें सनसेट भी है, दोनों के फंक्शन बहुत ही अच्छे हैं बाकी बाउंसर के मुकाबले, इसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छी। इसका जो फंक्शन यूज़ करने वाले हैं वो है बेबी सीटिंग। इसको हम इस तरह से प्रेस करते हैं, इसका लॉक को खोलते हैं, तो आप ये देखेंगे इसको पीछे की तरफ हम यहाँ पर लॉक कर देंगे, ये देखिए ये लॉक हो गया है। अब यहाँ पे बच्चा आराम से इसको हम इसे अंदर बिठा सकते हैं, ये बैठने की पोजीशन में बहुत सही बन जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि हमने अभी जो सिटिंग पोजीशन में इस बाउंसर को लगाया हुआ है कैरी कोट को, तो इस पोजीशन में आपको लगाने के बाद हमारे पास एक ये टैडी है बहुत प्यारा सा, इसको हम यहाँ रख के दिखाते हैं। इस तरह से काफ़ी कंफर्ट लेवल है, ये देखिए बेबी का काफ़ी कंफर्ट लेवल रहेगा और इस तरह से ये पोजीशन में आ जाएगा। इसमें जो बेल्ट्स हैं वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाना चाहूँगा एक बार, वो इस तरह से यूज़ हो जाएंगे। इसके बाद हम जो करने वाले हैं इसका जो रॉकिंग फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है, हम इसके लॉक को यहाँ से खोल देंगे और इसको यहाँ पर ले आएंगे इस पोजीशन पर। अब ये देखिए जो इसकी जो ये नीचे कर्व बनी हुई है, इस वजह से ये रॉक करता रहता है इस तरह से। और इसमें हम एक टैडी को बिठाते हैं दोबारा से इस तरह से, ये देखिए ये रॉकर बन गया है एक तरह से, छोटा थोड़ा थोड़ा सा स्विंग आता रहता है बच्चे को, और बहुत ही कंफर्ट जोन में बच्चा रहेगा इसमें इस पोजीशन में। हमें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इसकी कुशन्स क्वालिटी और ओवरऑल इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है।
फ्रेंड्स, इससे आगे वाला जो फंक्शन है बेबी फीडिंग का, जो फीडिंग के लिए यूज़ होती है, वो इसको हम अगेन इस दोबारा इसी पोजीशन में लेके जाएंगे। इस तरह से इस पोजीशन में लगाने के बाद बेबी को आप यहाँ बिठा सकते हैं और फीडर उसको दे सकते हैं आराम से। इस पोजीशन में बैठने के बाद उसका दूध भी आराम से पच जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लेटाने के बाद या बिल्कुल स्टैंडिंग में भी बेबी दूध नहीं लेता है, प्रॉपर फीड नहीं ले पाता है। इस वजह से ये पोजीशन इसके लिए बहुत ही कम्फर्ट रहेगी। अब चलते हैं इससे आगे के फंक्शन की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे वाले जो फंक्शन है वो इस तरह से यूज़ होगा। इसको हम वापस उसी पोजीशन में लाएंगे, ये रॉकर पोजीशन में आ गया है, और इसके बाद हम इसको करेंगे थोड़ा सा और ऊपर, ताकि इसमें सनसेट हम बना सकें। अब जो ये इसका जो क्लॉथ दिया गया है वो हम इसको इंस्टॉल कर देंगे दोबारा। इस तरह से हम जो इसकी ये डाई है प्रॉपर, इसको यहाँ लगाने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, और इसको फिर हम दोबारा यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये फंक्शन देखिए, इसमें बेबी को ऐसे बिठा के आप कहीं भी आराम से बच्चा सनसेट में सो सकता है, हल्की धूप में। जैसे मौसम कम सर्दियों का होता है या ज़्यादा सर्दियों का होता है, तब भी ये धूप में आराम से हम बेबी को यहाँ लेटा सकते हैं। ये सनसेट बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसके आगे के फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं बॉटल होल्डर, इसका बॉटल होल्डर इंस्टॉल करने वाले हैं। आप ये देखेंगे ये बाउंसर जो है इसके साथ एक की इसका जो अटैचमेंट है वो लगने वाली है, वो यहाँ पे आप देखेंगे पीछे से इसमें चार नट दिए गए हैं। मैं इसको जल्दी से रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद बॉटल होल्डर लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसके जो पेज थे चार वो खोल के इसको दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। इस तरह से ये लग जाता है बेबी होल्डर, सॉरी बॉटल होल्डर। इसको हम इस तरह से लगा के, काफ़ी इजी सी इंस्टॉलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है। बाकी जो आपने प्रोडक्ट को देखा, ओवरऑल इसका रिव्यू बहुत अच्छा है। ये देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे आप बोतल इस तरह से इसको लगाएंगे तो आप यहाँ एक बोतल रखने की स्पेस ये बन चुकी है। अब देखें इसी को बोतल होल्डर का दिया गया है फंक्शन, और ये इस तरह से यूज़ करके दिखाया गया कंपनी ने अपनी पिक्चर में, और यहाँ पे आप बोतल रख सकते हैं। और ये था एक बोतल। अब हम इसका बनाने वाले हैं जो इसका फंक्शन है वो है कैरिंग का। ये कैरी कोट कैसे बनता है वो ये देखिए, आप यहाँ से इसके लॉक को प्रॉपर ऐसे खोलिए और इसको ये सेंटर में लेके जाइए। अब ये देखिए इसको आप आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हैं बेबी के साथ। मैं इस टैडी को बीच में लगा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह से बेबी यहाँ रहेगा, तो हम इसको आराम से यहाँ से कैरी कर सकते हैं। जो इसकी हैंडलिंग है काफ़ी अच्छी दी गई है, और मजबूत पकड़ के लिए है, और काफ़ी मजबूत भी है ये प्लास्टिक इसका। इस तरह से हम कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं। ये फंक्शन भी इसका बहुत ही अच्छा है, और ये आप कहीं भी घर में भी आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में या बेड पे भी इसको लगा के बेबी को कहीं भी ले जा सकते हैं। ये हमें फंक्शन बहुत ही अच्छा लगा इसका। और इसके बढ़ते हैं इसके आगे वाले फंक्शन की तरफ। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट की, सबसे जो यूनिक इसकी जो बात है, जो यूनिक फंक्शन है उसकी बात करने वाला हूँ, वो है बेबी बाउंसर। अब बेबी बाउंसर पे आते हैं। जो ये रोड आपको दिखाई दे रही है जो साथ में हमारे पैकिंग में आई थी, उसको इंस्टॉल करने का टाइम आ गया है। अब देखिए यहाँ पे जो एक अटैचमेंट दी गई है ये वाली, इसको इस तरह से लगाते हैं और दोनों तरफ से इसको इस तरह से इंस्टॉल कर देते हैं। अब आप देखिए ये बेबी बाउंसर बन चुका है। अब आप देखिए प्रॉपर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे इसकी अटैचमेंट इतनी अच्छी सी दी गई है, और ये जो इसका प्लास्टिक है बहुत ही अच्छा दिया गया है। यहाँ पे तीन नट भी दिए गए हैं, और ये देखिए इस तरह से ये बाउंस करता रहेगा अपने आप। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रिकल नहीं है ये। और इसमें हम बेबी को इस तरह से बिठा के ये देखिए ये अपने आप काफ़ी देर तक बाउंस करता रहता है, और बेबी को बड़ा कंफर्ट लगता है। ये मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा तब भी ये बाउंस कर रहा है। जैसे ही बेबी करवट लेगा और ये बाउंस करना स्टार्ट कर देगा। ये हमारा फीडबैक जो इस फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी तक जितने भी कस्टमर्स इसको बाय कर चुके हैं या बाकी के बाउंसर ले जा चुके हैं, सबसे अच्छा फंक्शन माना जाता है वो है ये बेबी बाउंसर। इसमें बेबी इतना कंफर्ट हो जाता है कि वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता। तो आप भी एक बार इसको यूज़ करके देख सकते हैं। यदि आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इससे आगे वाले फंक्शन की तरफ। फ्रेंड्स, इससे आगे का जो फंक्शन है वो है बेबी स्विंग का। अब हम जो इसके अटैचमेंट्स हैं वो इसके साथ में हैं। आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से ये अटैचमेंट साथ में दी गई है, और काफ़ी लंबी रस्सी है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए। और अभी आप इसका डबल ले सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 5 फीट से अबव की है, और आप
इतनी हाइट पे आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें चार हुक इस तरह एक तरफ दिए गए हैं और दो हुक एक तरफ दिए गए हैं जो आप ऊपर टांग सकते हैं इस हुक को, और ये जो हुक हैं वो यहाँ पे इसके साथ अटैच होंगे। तो मैं अभी करके दिखाने वाला हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे एक होल्डर दिया गया है, यहाँ पे एक हुक दिया गया है, इस हुक में हम इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे इसको। ये हुक इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरह से मैं इसको यहाँ पे करने वाला हूँ। एक अटैचमेंट्स यहाँ पे दी गई है, इसको मैं इस तरह से इसमें डाल के ये भी यहाँ फिक्स हो जाएगा। अब ये दोनों तरफ का ये देखिए मैंने इस तरह से इंस्टॉल कर दिया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद मैं दूसरी साइड की भी अटैचमेंट्स लगा देता हूँ। ये देखिए इस तरह की जो अटैचमेंट्स है वो यहाँ पे इसमें लग जाएगी, आपको यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। अगेन इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बड़ा इजी से इंस्टॉलेशन है ये फ्रेंड्स। ये देखिए इधर की मैं जो ये रस्सी है ये भी इंस्टॉल हो गई है फ्रेंड्स। ये देखिए हमने इसको स्विंग की तरह यूज़ करके आपको दिखाया है, इस तरह से ये रस्सियाँ इसमें अटैच हो जाती हैं और इस तरह से ये झूलता रहेगा। अब आपके बेबीज़ के लिए, लिटिल टॉडलर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप इसे बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। यदि आपके पास ये बेबी बाउंसर ओडीडी है तो उसमें आपको क्या क्या पसंद आता है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज प्लीज़ शेयर कीजिएगा। आपके इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहे इस प्रोडक्ट के साथ, ये वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, टेक केयर।